क्या जिनपिंग ने पत्नी के कहने पर दो रक्षा मंत्रियों को बर्खास्त किया था? जानेंगे चीनी सेना में हलचल क्यों मच रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना से आने वाले पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भ्रष्टाचार के नाम पर सेना और पार्टी में अपने विरोधियों को तेजी से किनारे लगा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जिनपिंग ने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंघे और उनके उत्तराधिकारी ली सांग को उनके मंत्री पदों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से अचानक बर्खास्त कर दिया था। अब दावा किया जा रहा है कि जिनपिंग के इस फैसले के पीछे उनकी पत्नी पेंग लियुआन का हाथ है। पेंग लियुआन चीनी सेना में वरिष्ठ अधिकारी है और वो जिनपिंग के प्रति गैर वफादार अधिकारियों की तलाश करती है। ये भी दावा किया गया है कि शी जिनपिंग अपनी पत्नी से चीनी सेना के बारे में कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सलाह जरूर लेते हैं। एशिया निक्की के एक रिपोर्ट के अनुसार इस ऐसे सुझाव हैं कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन ने दो पूर्व रक्षा मंत्रियों वेई फेंघे और उनके उत्तराधिकारी ली सांगफू को उनके मंत्री पदों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों से अचानक बर्खास्त करने को प्रभावित किया हो सकता है। रिपोर्ट इस बारे में सवाल उठाती है कि क्या राष्ट्रपति शी को चीनी सेना की से अटूट वफादारी हासिल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सिन्हुआ की एक रिपोर्ट के अनुसार 19 जून को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सांगजी प्रांत के यनान में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सशस्त्र बलों के भीतर राजनीतिक वफादारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सेना द्वारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण नेतृत्व को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया और वरिष्ठ अधिकारियों से पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करने का आह्वान किया ताकि सैन्य विकास के लिए एक ठोस राजनीतिक गारंटी सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रपति शी ने एक ऐसी कैडर टीम बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला जो वफादार, जिम्मेदार और सक्षम हो। उन्होंने सेना के भीतर सख्त अनुशासन लागू करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने में महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। राष्ट्रपति शी ने कहा कि सैन्य प्रभावशीलता और अखंडता के लिए राजनीतिक कार्य आवश्यक है। इसके लिए ऐसे नेताओं की आवश्यकता होती है जो पार्टी के प्रति विश्वसनीय और वफादार हो। मई में राष्ट्रपति शी के यूरोपीय दौरे से पहले हांगकांग के सिंग ताओ डेली में एक रिपोर्ट के अनुसार 61 वर्षीय पेंग चीनी केंद्रीय सैन्य आयोग की परीक्षा, मूल्यांकन और आयोग के सदस्य नियुक्त हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जिनपिंग की पत्नी को सैन्य पोशाक में एक सैन्य शैक्षणिक संस्थान का निरीक्षण करते हुए भी दिखाया गया है। पेंग की ये तस्वीर सोशल मीडिया में चर्चा की विषय भी बनी थी। पेंग ने 1980 में अपनी सैन्य सेवा शुरू की और एक सक्रिय सैन्य अधिकारी बनी रही। एशिया निकी ने बताया कि पूर्व नौसेना अधिकारी डोंग जून की रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्ति ने अटकलों को हवा दी है। डोंग की पेंग से निकटता और सेंडोंग प्रांत में उनके साझा मूल को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि इस संबंध में उनकी नियुक्ति में अनुकूल भूमिका निभाई है। हालांकि डोंग की नियुक्ति सेना के भीतर अच्छी तरह से नहीं चली क्योंकि ये सेना को दरकिनार कर देती है। अटकलों के अनुसार राष्ट्रपति शी अपने पत्नी का उपयोग प्रमुख सैन्य कर्मियों में बदलाव सुनिश्चित करने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का चयन करते हैं जिन पर वे वफादारी के मामले में पूरी तरीके से भरोसा कर सके। एशिया निकी की रिपोर्ट के अनुसार पेंग को एकमात्र सैन्य अधिकारी के रूप में देखा जाता है जिस पर राष्ट्रपति शी वास्तव में भरोसा करते हैं। कूटनीतिक प्रभाव, पेंग का कूटनीतिक प्रभाव गहरा है। एक प्रमुख वैश्विक राजदूत के रूप में वो अक्सर राष्ट्रपति शी के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पर जाती है, सांस्कृतिक कूटनीति में संलग्न होती है जो चीन की वैश्विक छवि को बढ़ाता है और सद्भावना को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रपति शी के हाल के फ्रांस, सर्बिया, हंगरी के यूरोपीय दौरे के दौरान पहली महिला कूटनीति की सराहना की जहां पेंग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब इनके कहने पर जो कुछ भी हो रहा हो, पर फिलहाल के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और इस बड़ी खबर में ये कहा जा रहा है कि एक जहाज चला और ये जहाज चाइना से चला पाकिस्तान। ये खबर एक बार को पहले भी आई थी मार्च 2024 में, वो वाला मामला, और ये मामला
एकदम से अलग है। मार्च 2024 में एक मशीन भेजा गया था, जिस मशीन का इस्तेमाल कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन था, जिसको कहा गया कि न्यूक्लियर इस्तेमाल के लिए भी हो सकता है, जिसको भारत ने पकड़ा था। और उसके बाद चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही कहा था कि नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर अब जाकर भारत ने जो जहाज पकड़ा है, उस जहाज में बड़ी मात्रा में ऑर्थो क्लोरो बेंजेल्डीन मेलोनोराइल है, जिसे CS के नाम से जाना जाता है। ये केमिकल टीयर गैस के रूप में आता है, वैसे तो मना है, इसे बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पर कितना मंगवाया गया है? 2560 केजी, 103 ड्रम में इसे भेजा गया अप्रैल 18, 2024 को। चाइना की फार्म चेंगदू सिनसेन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने इसे भेजा है। ये केमिकल एक ऐसा सब्सटेंस है जो वेस्नार अरेंजमेंट के तहत एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में आता है, और इसको मना ही है, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस कंसाइनमेंट को भारत ने कस्टम एक्ट 1962 और मास डिस्ट्रक्शन और डिलीवरी सिस्टम के अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंतर्गत पकड़ा है। ये जो सीजर है, ये भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ने इसको पकड़ा है, और इस कंसाइनमेंट को लिंक किया गया है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तरह ही, जो पिछली बार मार्च महीने में जो जहाज पकड़ा गया था। हालांकि CS गैस का इस्तेमाल पाबंदी है, थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ अलाउड है, पर ये अब एक विवाद का विषय बन रहा है कि आखिरकार पाकिस्तान को इतनी बड़ी मात्रा में क्यों चाहिए था। पहली बात तो ये कि भारत को आखिरकार कैसे यह हक मिल गया कि भारत ने यहाँ पर इसे पकड़ा। तो भारत वेस्नार अरेंजमेंट का एक सदस्य है, जिसकी वजह से भारत ने इसे पकड़ा है। और दूसरी बड़ी बात ये है, आज की डेट में ये देखने को मिला कि पाकिस्तान में कई बार इस तरीके की स्थिति पैदा हुई है, जैसे कि POK की ही बात करें, पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में युद्ध जैसे हालात खड़े हो गए थे, और यहाँ पर भी आखिरकार इन्हें टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यहाँ टीयर गैस छोड़ना पड़ा था चूंकि लाहौर कोर्ट के आगे भी एक ऐसा माहौल बन गया था जिस माहौल में प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कुछ न कुछ जरूर बड़ा घट रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में टीयर गैस वगैरह का और मंगवाया। और ये आएगा भी तो किन से आएगा? ये आया इनके पास चाइना से, और चाइना से आने के क्रम में ये भारत के द्वारा पकड़ा गया है। पर पिछली बार इसका सबसे ज्यादा उपयोग देखा गया था जब इमरान खान के जो समर्थक थे वो सड़कों पर निकल आए थे। स्क्रीन पर एक खबर देख सकते हैं, ये अल जजीरा ने छापा था, और अल जजीरा ने ये दिखलाते हुए छापा था कि देखो क्या स्थिति हो गई है, किस तरीके से यहाँ पर सरकार को आखिरकार यहाँ एक अलग रुख अपनाना पड़ रहा है। इस तस्वीर को छापते हुए उन्होंने कहा था कि टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, और इस वजह से कहा जा रहा है कि ये जो चूंकि बैन है, इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकते हैं, और इसी वजह से इसे पकड़ा गया है। पर एक चीज और यहाँ पर हो रही है कि आखिरकार क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ हलचल मची हुई है? तो कई सारी चीजें हैं, IMF है, पाकिस्तान का अपनी गुटबाजियां हैं, कई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का इन जहाजों को पकड़ना सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।